यशोमती मैया के नंदलाला। मैं कह रहा था आज सावित्री मौसी मुझे देखने आई है, अगली बार मैं इनसे मिलने घर चल जाऊंगा। इतनी प्रसन्नता की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर लल्ला, मेरा घर बहुत दूर है, ना तो तू आ पाएगा और ना ही जीजी तुझे आने देगी। बिल्कुल सही कह रही है सावित्री मौसी लल्ला, इनका घर बहुत दूर है, इतना दूर जाने की आवश्यकता ना है। यदि मेरा घर भी निकट हो तो मैं भी दूध दही माखन छाछ सब बड़े चाव से खिलाती इसे। माखन दिला तो अभी आरंभ किए है मैंने, अब देखो आगे क्या क्या करती हूँ मैं। सावित्री तू कहाँ खो गई? लो कर लो बात, तुम इतनी दूर से आई हुई हो, मैंने अभी तक कछु खाने को भी ना पूछा। अरे ना ना जीजी, मैं तो बस कान्हा को मिलने आई थी, अभी और बैठूंगी ना तो अंधेरा हो जाएगा। कछु तो खा के जा। ना जीजी, कल वैसे भी साप्ताहिक हाट लगने वाला है, तो माखन बेचने की तैयारी करनी है। नारायण नारायण। लगता है आप जिस बीज की बात कर रहे थे महाराज, उसे बो चुके हैं आप। बिल्कुल सही पहचाना प्राप्ति। इस समय मेरा बोया लोभ का बीज गोकुलवासियों के मन की भूमि पर महत्वाकांक्षाओं का पोषण पा रहा है। अब तो केवल सुबह तक की प्रतीक्षा है, सूर्य उगते ही गोकुल में लगेगा हाट और पनपेगा लोभासुर। कल सुबह देवकी और वसुदेव को मेरे सामने बुलाना, बहुत दिनों तक शांति से जी लिए वो दोनों, अब उनकी शांति का होगा नाश और मुझे मिलेगा आनंद, परम आनंद। यम कहाँ है बाबा, क्या हो रही है यार? ये साप्ताहिक हाट है लल्ला, मैंने सोचो मंदिर जाते जाते तुझे ये भी दिखा दूं। हाँ, हाँ लल्ला, सप्ताह भर गोप गोपियां जो दूध दही माखन इकट्ठा करते हैं ना, उसे यहाँ लाके उन ग्राहकों को दे देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जेते तो क्या वो भी आके माखन ले सकते? हाँ लल्ला, कोई भी ले सकते है, पर उचित मूल्य चुका कर। कभी कोई व्यक्ति सिक्के दे तो है, तो कभी कभी कोई दूसरी वस्तु दे तो है, और कभी कभी तो विक्रेता की सेवा करके अपना मूल्य चुका तो है। अच्छी लगी हाट, चल अब मंदिर के लिए विलंब हो रहा है, चल। ना 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 ना,
एक दोनी दो, एक दिया तीन। इनका खेल मत ही कर, पर तो है सुबह से एक भी ना बिको है। अरे मैया को अकेले छोड़ के जाएगो? सजा दजा सकट है जी। इतना थाट बाट है कौन जे? अवश्य ही कोई धनवान व्यक्ति होगो। आज तो अवश्य गोकुल का भाग चमकने वाला है। चाय कर लल्ला। मैया, इतने सारे लड्डू? हाँ लल्ला, प्रतीक्षा कर लल्ला, भोग तो लगाने दे। आओ बहन आओ, स्वागत है। कुंवर जी, आपका भी स्वागत है। जानते हो, जब चूहा भूखा होता है कभी शांत नहीं बैठ सकता। धमा चौकड़ी, उधम, अस्थिरता उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी ही अस्थिरता इस समय गोकुल में भी फैली होगी। यहाँ पधारिए, बहुत अच्छा माखन मिलेगा। आइए श्रीमान, बहुत अच्छा माखन है। आइए श्रीमान, आइए श्रीमान, आइए, बहुत अच्छा सामान मिलेगा। श्रीमान आइए, हमारे पास बहुत अच्छा माखन है, अभी अभी निकालो है, पैर भर पहले। और सस्तो भी है। आइए आइए श्रीमान जी, एकदम हरी हरी सब्जियाँ हैं, एकदम ताजी सब्जियाँ हैं, ले जाके देखिए आप। वसंता, तू भी कछु बोल। मैं क्या बोलूं मैया? अच्छा माखन तो पूरे गोकुल में मिलेगा, पर सबसे अच्छा माखन केवल मेरे पास मिलेगा। लोभ अच्छी बात ना है लल्ला। लोग क्या तो है मैया? लोग ना, लोभ। लोभ बहुत भयंकर राक्षस होते है लल्ला, जो एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते है। इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं।
वैसे अभी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं सारे के सारे लड्डू खा जाऊं। यही हो तो है लोग, आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोग बहुत भयानक होते हैं, बहुत भयंकर। जानते हैं, जिसमें तनिक भी लोभ हो वो सबसे आसानी से और सबसे पहले जाल में फंस जाता है। सब छटक लूंगा। कोई ऐसा ही तो चाहिए था मुझे जिसमें लोभ हो। भयानक इसलिए होता है लल्ला, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में फंस जाता है ना, वो अपना शुद्ध बुद्ध, अपना विवेक सब खो देता है और अनुचित निर्णय लेने लगता है। वो कहावत ना सुनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि।